हेलो बच्चों, क्लास टेंथ के लिए मैंने एक ओसवाल की बुक मंगवाई है, ओसवाल गुरुकुल की, अमेजोन से। इस बुक का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनकी वेबसाइट से जाके भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स चलते रहते हैं, तो वहां से आप इस बुक को परचेज कर लें। और साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये टेंथ क्लास के लिए ऑल इन वन गाइड बुक है। इसके अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट कवर देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश भी, हिंदी भी, मैथमेटिक्स भी, साइंस भी और सोशल साइंस भी। सभी के सैंपल पेपर्स भी दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर भी दे रखे हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आए हुए हैं हमारे एग्जाम में, वो भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और क्या कुछ खास है, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी, पैसेस बेस्ड भी, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। चैप्टर के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, वो भी आपको इस बुक के अंदर अच्छे से दे रखे हैं। पूरी मोटी बुक है, देखो कितने सारे पेजेस की है, और आप इस बुक को परचेज करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट एक ही बुक के अंदर कवर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ दे रखा है। सबसे पहले कंटेंट की बात करें यहाँ पे, तो इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, हिंदी दे रखा है, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं, साइंस आ गई हमारी, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हमारे पास सोशल साइंस के भी सारे चैप्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो एग्जाम आने वाला है उसका भी यहाँ पे ब्लू प्रिंट दे रखा है कि रीडिंग स्किल आपकी 20 मार्क्स की, राइटिंग स्किल 20 मार्क्स की, और लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 40 मार्क्स का, और टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा। ये आ गया, और आगे चलते हैं, ये देख लो यहाँ पे फैक्चुअल पैसेज दे रखे हैं हमें, जो कि हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाने हैं। बहुत सारे यहाँ पे पैसेज दे रखे हैं, और साथ में टॉपर आंसर्स दे रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर जो हमारे एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी बच्चों ने टॉप किया है उनके एग्जाम्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। ठीक है, आप इनकी आंसर शीट्स को देख के भी ये सोच सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे ये दे रखी है। आगे चलते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद हम अनदर सब्जेक्ट पे चलते हैं। मान लो हिंदी पे आ गया हमारे पास, हिंदी के अंदर भी खंड कै खै गै घ, इसके अंदर क्या क्या आएगा हमारा, 10 मार्क्स का अपठित बोध आएगा, 16 मार्क्स का व्यवहारिक व्याकरण आएगी, पाठ्य पुस्तक में पूरक पाठ्य पुस्तक के अंदर से 34, और लेखन हमारी 20 मार्क्स, तो टोटल हो गया 80 मार्क्स का पेपर यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे अब इन सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन करके दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी की भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर चीजें भी, जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर रखा है। देखो सीबीएसई दिल्ली सेट 1 2023 में आया हुआ है, सारे के सारे आपको मेंशन मिलेंगे कि कौन सा किस ईयर आया हुआ है, और कुछ एक्स्ट्रा जो है हमारे पास वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हिंदी के बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हमारा आ जाता है फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा सा टाइम बिता लेते हैं भाई, देख लेते हैं क्या कुछ आएगा। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का यहाँ पे कंप्लीट पेपर का ब्यौरा दे रखा है, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का, एल्जेब्रा 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 की, ज्योमेट्री 15 की, ट्राइगोनोमेट्रिक 12 की, मेंसुरेशन 10 की, स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स की, तो टोटल आएगा 80 मार्क्स का पेपर। यहाँ पे देख भी लेना, नो चैप्टर वाइज वेटेज, कोई स्पेशल चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है आपकी मैथमेटिक्स की, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। स्पेशली यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम 6 का, एलजेब्रा के अंदर जो दो तीन चैप्टर आते हैं कंबाइंड 20 मार्क्स के आएंगे, किसी में से एक दो नंबर कम ज्यादा का हो सकता है। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, तो उसमें मान लो थर्ड में से ज्यादा मार्क्स का आ जाए, फोर्थ में और टू में से थोड़ा कम का रह जाए, किसी के एग्जाम के अंदर फोर्थ में थोड़ा सा ज्यादा आ जाए, थर्ड और सेकंड से कम आ जाए, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे, सबसे पहला आता है हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हमें फॉर्मूले दे रखे हैं जो कि हमारे यूज होने वाले हैं। फिर आ जाते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, जो कि एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल है और 20 मार्क्स आपके कवर करेंगे। फिर ये देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए, साथ में आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये एनसीईआरटी 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख लो 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टाइप से आपको मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आ जाओ देख लो, ये 2019 दिल्ली में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टाइप से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का अच्छे से पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ये देख लो यहाँ पे सभी चैप्टर कवर दे रखे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप्स भी हो गए और लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चंस हो गए, और यहाँ पे देखो हॉट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिल सकता है। तो ये देख लो यहाँ पे 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप इस बुक को परचेज कर लेंगे ना तो आपको अलग अलग बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सैंपल पेपर की हो गई या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हो गई या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की हो गई, सारी की सारी ऑल इन वन बुक है, सारे के सारे एक ही बुक के अंदर सब कुछ कवर मिल जाएगा आपको। ये मैथमेटिक्स हो गया, इसके आगे हम चलेंगे तो साइंस सब्जेक्ट आ गया, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स का, वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 की, नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क्स के, इफेक्ट ऑफ कांट 13 और नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स के। तो ये सारे हमारे क्या है, साइंस के टॉपिक हो गए, जो कि 80 मार्क्स का हमारा कंप्लीट पेपर आ जाएगा। अब साइंस के अंदर भी ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के अंदर ये हमें मेंशन भी कर रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर आया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, शॉर्ट आंसर भी, पैसिव बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ये देख लो मेटल नॉन मेटल, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और यहाँ पे टॉपर आंसर्स भी कि भाई ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर आपको किस टाइप से लिखना है, ये दे रखा है, ऐसे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देख लो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर हमें इस फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती कि हम क्या पता क्या क्या थ्योरी लिखने लग जाए, बस आपको शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से एक्सप्लेन करना है बस। तो ये हो गया हमारा साइंस का। उसके बाद हमारा लास्ट सब्जेक्ट आ जाता है इसमें सोशल साइंस, ये आ गया सोशल साइंस का। देख लो सोशल साइंस के अंदर भी हमारे जो है पूरा का पूरा पैटर्न दे रखा होगा। ये देख लो क्वेश्चन किस प्रकार से हमें राइट डाउन करना है, टॉपर आंसर्स यहाँ पे आपको मेंशन कर रखे हैं जो कि फुल मार्क्स आए हुए हैं बच्चों के, तो यहां से आप आसानी से देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं एक बार क्या कुछ दे रखा है, और ये एसएसटी आ गई हमारी सोशल साइंस के अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो 20 मार्क्स का, सेकंड 20 का, थर्ड 20 का और फोर्थ भी 20 का, ये चारों के चारों पार्ट्स आपके 20 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फिर साथ के साथ आपको देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साथ में दे रखे हैं, ये आ गए। ये देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो ये 2016 में आया था, ये 16 में आया हुआ है, ये 19 में आया हुआ है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, देखो ये 2023 में भी 20 में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस टाइप से राइट डाउन करना है, इस तरीके से पॉइंट बना के, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप से आपको आंसर लिख के आने हैं, राइट डाउन करके आने हैं, जिससे आपके फुल मार्क्स आ सके, ठीक है। तो इस बुक को आप जरूर परचेज कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उस लिंक से जाके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, इजिली आपके घर पे पहुंच जाएगी, और फिर अपनी प्रिपरेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।